नमस्कार आदाब, न्यूज़ 5 AM जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नज़र डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। बिरसा नगर में व्याप्त अव्यवस्था को लेकर भाजपा बिरसा नगर मंडल के द्वारा बिरसा नगर थाना में प्रभार प्रभारी को ज्ञापन सौंप कर अविलंब समस्या का समाधान करने की मांग की है। इसे लेकर मंडल अध्यक्ष बबलू गोप ने क्षेत्र में अवैध कारोबार एवं अव्यवस्था को लेकर चिंता जताते हुए पूरे बिरसा नगर क्षेत्र में खासकर जोन नंबर 6, 7, 3 और उससे सटे अन्य बस्तियों में ब्राउन शुगर सहित अन्य नशे का कारोबार धड़ल्ले से किया जा रहा है। वहीं थाना के नाम पर जमीन कारोबार भी फल फूल रहे हैं। इसके अलावा अवैध रूप से सड़क किनारे बालू और गिट्टी का भंडारण करने से लोगों को आवाजाही में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन सभी समस्याओं को 15 दिनों के अंदर समाधान नहीं की जाती है तो भाजपा चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। बिरसा नगर थाना भाजपा मंडल के द्वारा भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही जन मुद्दों को उठाती रहती है। आज बिरसा नगर मंडल के अध्यक्ष बबलू गोप जी के नेतृत्व में थाना में ज्ञापन दिया गया। विषय ये था, बिरसा नगर थाना क्षेत्र में शराब के कारोबार चरम पर है। यहाँ चरस का धंधा हो रहा है, यहाँ गांजा का धंधा हो रहा है। खासकर ये दुर्भाग्य की बात है, थाना से बगल में 7 नंबर जोन है, 3 नंबर जोन है, भुरलुंग है और सारे जगहों में ओपन दारू की भट्टियां लगाई गई हैं और यहाँ की जनता परेशान है। या और सारे मुद्दे थे, रास्ते में सड़क के किनारे गिट्टी बालू रखे जाते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है जो बांग्लादेशियों का मुद्दा, यहाँ पर बहुत सारे बिल्डर ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बांग्लादेशियों को बुलाकर उनको अपने यहाँ संरक्षण दिए हुए हैं और यहाँ उससे कर कहते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बंगाल के कोई कारीगर यहाँ पर आए तो उसका विरोध है। अगर हमारे देश का कारीगर कोई है वो देश में किसी हिस्से में भी कार्य कर सकता है, लेकिन बांग्लादेशी मुर्शिदाबाद के नाम पर बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ पर घुसपैठ किए हैं, रोहिंग्या मुसलमान यहाँ पर घुसपैठ किए हैं। उनके आधार कार्ड की थाने के द्वारा जाँच होनी चाहिए। जिस बिल्डर के यहाँ भी कार्य करता है थाना में, उसका थाने के तरफ से वहाँ पर सूचना जानी चाहिए कि जो भी कारीगर, जो भी मजदूर आपके बांग्लादेशी संदेह होता है उसको जांच करनी चाहिए। तीसरी बात, सबसे बड़ा मुद्दा यह जमीन का मुद्दा है। बिरसा नगर बहुत बड़ा क्षेत्र है, पूरे झारखंड में बिहार में सबसे बड़ी बस्ती ये बिरसा नगर की बस्ती है। अब भूमि माफिया सक्रिय है, यहाँ पर लाखों करोड़ों रुपये की हेराफेरी रोज के दिन में होती है। यहाँ आम जनता जो गाढ़ी कमाई से छोटा मोटा घर बनाता है, तो थाना के नाम पर, मैं ये नहीं कहता हूँ कि थाना दलाली कर रहा है, लेकिन थाना के नाम पर कुछ लोग दलाली कर रहे हैं तो उसमें थाना को रोक लगाना चाहिए। थाना उसमें रोक नहीं लगाता है तो भारतीय जनता पार्टी समझेगी कि ये थाना के माध्यम से हो रहा है। हम लोगों ने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि इन सारे मुद्दों पर आप कार्रवाई करें, अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो भारतीय जनता पार्टी के बबलू गोप जी के नेतृत्व में बिरसा नगर मंडल फिर से कोई भी आंदोलन करने को बाध्य हो जाए। अपना नाम पद बताइए। संजीव सिंह, जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी। भाग की बात है, हम भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करने के लिए आज हम लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं और इस क्षेत्र में बहुत सारा ऐसे जन समस्या है, उसको अनदेखा किया जा रहा है। इसमें अनदेखा थाना प्रभारी से हम लोग आग्रह करने आए हैं भाई, इस तरह का कार्य ना हो और प्रत्येक क्षेत्र में जोन नंबर 7, जोन नंबर 3 दारू का भट्टी का बहुत ही बड़ा ये चल रहा, दारू पी के लोग वहाँ गिरे रहते हैं, बच्चा और महिला असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। साथ ही साथ जैसे रोड पे गाड़ी पार्किंग करके घर में अपना आलीशान मकान बनाया हुआ रोड पे गाड़ी पार्किंग करके छोड़ देती है। गाड़ी में जो बच्चे लोग आने जाने करते, स्कूल का बच्चे, टाइम का व्यवस्था लेट होती है, ऊपर से आने जाने गिट्टी बालू गिरा के छोड़ देता है, तो इसमें भी थोड़ा संज्ञान लेने की जरूरत है और उसे देख रेख करने की जरूरत, ताकि उस जो भी व्यक्ति रोड के सामने गिट्टी बालू गिराया है वो केवल कृपया उनसे आग्रह ही नहीं, रिक्वेस्ट होगा कि आप कम से 3-4 दिन के अंदर में हटा लेने से जन समस्याओं पब्लिक को तकलीफ नहीं होगी। तीसरा, ब्राउन शुगर का जो क्षेत्र है हम लोग का बिरसा नगर में, हाल ही में हमारे थाना के प्रभारी कुछ 17 पुड़िया पकड़ाए हैं, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन और भी गांजा हो गया, भांग हो गया, उसके बाद आपको दारू पुड़िया, इस सब क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा मैंने बिक्री हो रहा, इस पर रोक की अति आवश्यक है। कितने दिनों में ये मांग की है? 15 दिन का अल्टीमेट समय मांगे हैं,
श्रीमान से, और अगर नहीं होगा तो हम लोग उच्च पदाधिकारी से भी निवेदन करेंगे और एक धरना प्रदर्शन का रूप। क्या नाम होगा? मैं भारतीय जनता पार्टी विशानगर मंडल अध्यक्ष बबलू गोप। सुनो, अंधेरा हो चुका है, रात को जला लो लाइटर, क्योंकि मच्छरों से लड़ने के लिए बनना पड़ेगा फाइटर। मगर आपको न लाइटर जलाने की जरूरत है और न ही फाइटर बनने की, क्योंकि आपके घर और जिंदगी को रोशन करने के लिए सिर्फ एक भरोसेमंद नाम बैटरी बाजार ही काफी है, जहां आपको बाइक से लेकर ट्रैक्टर तक की हर क्षमता की बैटरी मिल जाएगी, वो भी वाजिब दाम और आसान मासिक किस्तों पर। चाहे आप किसी भी ब्रांड की बैटरी या इन्वर्टर चाहते हो, बैटरी बाजार आपकी जरूरत पूरी करेगा। साथ ही दमदार सेम डे ऑन स्पॉट होम अवेलेबल सर्विस के साथ अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपका एक लम्हा भी अंधेरे में ना गुजरे।